उनका नरसंहार किया, वो आज भी इस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व, उसको फाइनेंस टेररिस्ट फंडिंग में अरेस्ट किया गया, स्टिल नॉट बीन इन्वॉल्व, उसको आज भी उसमें चार्ज नहीं लगाए गए। मैं आपके माध्यम के थ्रू सरकार से अपील करूँगा कि ऐसे जिनने हिंदू और मुसलमान में दरार की, कत्ल गारत की, उन लोगों को दे शुड बी हैंग, सो दे शुड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सपेडाइटिंग दीज केसेस इमीडिएटली। द अदर इज सिंस आफ्टर कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर जो कश्मीर के मुसलमान लोग हैं, दे ऑल्सो सेड दैट वी हैव ऑल्सो ट्रबल्ड, हमको भी सताया गया, तो चाहे पुलिस से सताया गया, सेपरेटिस से सताया गया, एडमिनिस्ट्रेशन सताया गया, उनके अगर जेन्युइन मांगे हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो जिनने बंदूक उठाए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नेशनलिस्ट मुसलमान हैं कश्मीरी, हम उनके साथ हैं, अगर उनके साथ कोई ग्रीवेंस है, उनका कोई उनके साथ कोई ज्यादती हुई, उसका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बता के कश्मीरी और जो पंडितों का और मुसलमान जो इनका नरसंहार हुआ उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पास सारा कंट्रोल है, दे कैन डू इट राइट अवे, तो वही कह रहा ना, जो जेन्युइन केसेस है वो तो सिलेक्टिव बनेगा ना, जब एक सिस्टम में चलेगा ना, मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं बेटा कराटे ने मारा है, तो हमारे से थोड़ी होता, हम तो सिर्फ पुतला जला सकते हैं ना, कानून अपना काम करे, वही हम कह रहे हैं। देखो डेमोक्रेसी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये दिखाए ना प्रैक्टिकली, अगर इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट हैज टू शो दैट इट इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय दिस एक्ट्स। सो कश्मीर को भी मरम मिले, इरेस्पेक्ट टू हिंदू मुसलमान, ये झगड़ा अपना होता ना ये कि कश्मीर फाइल्स और हिंदू और मुसलमान के, नहीं हम एक हैं, हम एक जीन हैं, तो हम अगर आपकी कोई सख्ती, मैं आपके साथ हूँ, मेरी मेरे साथ कोई जुल्म हो आप मेरे साथ रहिए और कश्मीर को आगे रिवाइव कीजिए। सर कल आप नहीं पता है सच, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते ये बात, अब आप मीडिया में नहीं बोलना चाहते, मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों इन्होंने कश्मीर को, दे हैव पुश्ड कश्मीर टू वॉल, आज ड्रग एडिक्शन क्या क्या नहीं कश्मीर में चल रहा है, अगर उनके बच्चे को स्क्रैप, महा मुफ्ती सईद की ने खुद अपनी बेटी को अगवा करवाया वो यासीन मलिक की एजेंसी के थ्रू, अपने लोग JKLF के थ्रू, तो देखो कैसे हिंदुस्तानी एकदम छुड़वाया, तो ये दोगले लोग हैं, अपनी फैमिली के लिए अलग लॉज, अपनी अपने अपने स्टैंडर्ड्स और आवाम को बिल्कुल रगड़ के पुश देम टू वॉल, ताकि इनकी सियासत डिवाइड एंड रूल पे ही चलती है, अदरवाइज इनको कौन पब्लिक सपोर्ट है। आप मुफ्ती सईद के हक में हैं, आप फारूकला के हक में, आपको नहीं पता वो बदमाशी करता था, आप नहीं जानते नहीं आप, बट आप म्यूट स्पेक्टेटर हैं, आप दोगले बनते हैं, हम खुदा से डरने वाले लोग हैं, हम सच बोलते हैं सर, अगर सुनने में दबा ना, एक सेकंड जब आप पोज गई मर्ज लिया पोजा सुना यार, अगर मैं झूठ है मुझे रगड़ो ना, मुझे कोर्ट में ले जाओ, जेल में ले जाओ, अगर सच नहीं है जाओ CID की फाइलें खोलो, देखो कहाँ कहाँ जाता था, किन किन के साथ करता था, सब पता आप लोगों को। अब ये बात ज़्यादा पर्सनल भी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक देखो हम पब्लिक हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम सब जानते हैं और आप भी सब जानते हैं, अब सिर्फ आपने पट्टी लगा के हमने पट्टी खोल दी। सर वहाँ पे एक बादला के साथ चाचा ऐसा नहीं, मैं कब बोल रहा, नहीं फ्रेंडशिप नहीं, देखो आप और मैं दोस्त हो सकते हैं ऑन ए सोशल लेवल, बट पॉलिटिकल लेवल जब आप पब्लिक लाइफ में आएंगे, अगर आप कोई काम गलत किया, एलिगेशंस बहुत खतरनाक थी, खतरनाक सच, मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो भाई, आपको सब पता है ना, आप अपने वीडियो को जब डालेंगे तो आपको पब्लिक खुद जवाब देगा कि कितना सच है। आपने बोला उसमें लड़कियां सप्लाई की जा रही थी, झूठ बोल रहा हूँ, JK बैंक आधा उन सप्लायर से जो नौकरियां लगी हैं वो आपको उससे बेहतर पता है, और फारूकुल्लाह को लीडर मानते हैं, जो बोलता है दिल्ली में बोलता है कश्मीरी को गोली मारो, मैं एक दिन उसके घर में बैठा था, बोलता है मुझे अवल अफगान दोयम कॉम्बो त्रियम बच जाते कश्मीरी, और मैं सोचा यार इसको कौन सी लानत पड़ गई, कश्मीरी से बनता है चीफ मिनिस्टर, आप उनको पूछो ना कश्मीर को क्या आप पीछे से बोलते हो, पायल जी को जाओ ना जो उमरला की बीबी है, जो डाइवोर्स हुआ क्या हुआ, पूछो उसको आपने क्यों डाइवोर्स दिया, पूछो क्या आपने नासिर सुगमी को सच नहीं बोला, और किसने मुझे बताया, इन्हीं के घर के लोगों ने बताया, हमको कैसे बाहर की बात, देखो ये इशू अंदर रॉट, ये हमको उन्हीं के लोग बताए। थैंक यू सर, थैंक यू।